साल 2003 से दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने की शुरुआत की। क्या आप जानते हैं सुसाइड डे राह पे पड़ने का सबसे ज़्यादा आखिर इसका कारण क्या है, यानी लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अगर नहीं तो आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके जरिए बहुत कुछ समझा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ने की चाह में भाग रही जिंदगी में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष ही तो जिंदगी का नाम है। इस रेस में आगे बढ़ने की चाह में अपनी जिंदगी जीना ही आज इंसान भूल रहा है, तभी बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण साल 2003 से दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने की शुरुआत की। पूरे विश्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत की प्रमुख वजह थी विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पेशे या करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत और वित्तीय नुकसान देश में आत्महत्या की घटनाओं के मुख्य कारण है। हर साल पूरी दुनिया में 8 लाख लोगों की मौत आत्महत्या के कारण होती है। इनमें से 1,35,000 आत्महत्या का आंकड़ा भारत का है। भारत में साल 1987 से 2007 के बीच आत्महत्या की दर में जबरदस्त उछाल आ चुका है। पहले जहां ये दर 7.9 प्रति 1 लाख थी, अब वही दर बढ़कर 10.3 प्रति लाख हो चुकी है। भारत में 2020 में आत्महत्या के ही कुल 1,53,052 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में 7% ज्यादा कुल 1,64,033 मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या की दर में 6.2% की वृद्धि हुई। आत्महत्या से बचाव और कारण पर बातचीत में यशोदा हॉस्पिटल की मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति शर्मा क्या कहती हैं, सुनिए। सुसाइड के आइडेंटिफाइंग फैक्टर हो सकते हैं कि व्यक्ति अगर परेशान है, स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेकर, या व्यक्ति के जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों में सुसाइड जैसा लक्षण देखा जाता है, जैसे कि डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या मनोविदलता जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। तो इन डिसऑर्डर्स में अक्सर सुसाइड जैसे लक्षण या साइन पाए जाते हैं। तो हमें पता कैसे लगे कि व्यक्ति सुसाइडल है? पहले तो व्यक्ति की बातों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्यक्ति के शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्सा ज़्यादा करने लग गया है, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो अपने आप को बोझ समझने लग जाते हैं, बोलते हैं कि मरने के बाद शायद ये सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे मरने के बाद यहाँ से कूद जाऊँगा मैं तो कैसा होगा, कोई बचता है या नहीं बचता, कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं, बिल्कुल निराशाजनक बातें करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, उनको लगता है कि भविष्य में कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। ये लोग एकदम सोशली डिटैच हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग अकेले अकेले रहने लग जाएंगे, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और एग्रेशन दिखाएंगे। अब प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो सुसाइड की रोकथाम कैसे हो सकती है? बोलने के जो हमारा तरीका है उसमें हम कुछ ऐसा बोलें जिससे सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेटेड फील हो। हम अपने दोस्त अगर हमसे सुसाइड की बातें करते हैं तो उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको चैलेंज ना करें कि आप सुसाइड कर लेंगे या आप ऐसी गलत बातें कर रहे हैं, उनको छोड़ दें। जबकि हमें अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के विचार व्यक्त कर रहा है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, उसको समय देना चाहिए, उसकी मुसीबतों में उसको हेल्प करना चाहिए, सुनना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है या अन्य मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है तो आप उनको मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाएं, किसी काउंसलर के पास लेकर जाएं जहाँ पे उनकी बीमारी का इलाज एवं उपचार हो पाए। और इसके अलावा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मीडिया के लिए, जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं या कुछ और बड़े बड़े हस्तियों ने सुसाइड कमिट करी है, जनरली मीडिया इस बात को बहुत ग्लोरीफाई करता है, रादर देन कि व्यक्ति ने किस प्रकार से, किस मोड से, किस तरीके से सुसाइड करी है। हम उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से या इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब भी आत्महत्या का विचार मन में आए
तो आप किसी अपने से बात कीजिए, किसी बेहतर माहौल में जाइए और लोगों की बात सुनिए, उसे समझिए। कभी कभी कुछ बोल देना और सुन लेने से ही दिल का बहुत भारी बोझ हल्का हो जाता है। खुद के लिए मजबूती के साथ खड़े रहें और ध्यान रहे, कोई भी समस्या या दर्द आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पूजा यादव की रिपोर्ट।